अच्छा भाई, बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बनाने के लिए जो बहुत तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सेट्स का सही है। पहली लाइन में यहाँ पे ये आ जाएगा लिखा हुआ, बेसिकली सही है। अच्छा, सेट हमें पता है, जैसे हम सेट किसी भी चीज़ का बनाते हैं, जैसे हमने प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज या लिस्ट बनाते थे, तो वो एक अनऑर्डर्ड वो लिस्ट होती थी, या हम उसको कर सकते थे ऑर्डर्ड में, या अनऑर्डर्ड सेट या लिस्ट बनाते थे हम पाइथन में या जावा में, हमने इस तरह बनाया। तो बेसिकली सेट वही है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ये ऑर्डर्ड होना लाजमी नहीं है, सही है। और क्या कहते हैं, और जो सेट के एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, यानी जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ द सेट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉवेल्स, एक वॉवेल्स का सेट बनाया हुआ है, ए ई आई ओ यू करके, सही है। वी सेट के नाम रख दिए, सही है। और ए ई आई ओ यू सेट के अंदर ये पांच एलिमेंट्स डाल दिए, सही है। इनको हम मेंबर्स ऑफ द सेट भी कह सकते हैं, सही है। इस तरह, इसी तरह फिर हमारे पास क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स का एक, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स का एक सेट है, सही है। उसको एक्स का नाम दिया हुआ है, और उसमें 2, 3, 5, 7 है, 11, 13, 17 इस तरह करके वैल्यूज दिए। अगर इन वैल्यूज को हम आगे पीछे भी कर देंगे, सही है, तो ये तब भी सेट सेम रहेगा, कोई यानी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड होना लाजमी नहीं है सेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग सेट्स पे आ जाएंगे, तो हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, सही है। एक तो लिस्टिंग द मेंबर्स ऑफ द सेट, डायरेक्ट हम सारे उसके मेंबर्स लिख दें सेट के अंदर, सही है। और दूसरा हमारे पास एक ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है, सही है, दैट इज डेफिनेशन बाय प्रॉपर्टी, यहाँ सही है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे बेसिकली एक डायरेक्ट सारे मेंबर्स लिखे हुए हैं एक सेट के, सही है। ई उसके अंदर 50, 52, 54, 56, 58 करके इस तरह लिख दिया, तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जो होगी वो एक्स सच दैट से स्टार्ट होगी। सबसे पहले एक्स आ जाएगा, फिर ये जो बेसिकली लाइन है ये सच दैट की लाइन हो जाएगी, ये मेरे ख्याल से शायद स्ट्रेट लाइन होती है, टेढ़ी लाइन नहीं होती, स्लैश नहीं होता शायद, ये सही है। मेट्रिक वगैरह की बुक्स में मेरे ख्याल से शायद स्ट्रेट लाइन है, स्लैश नहीं, सही है। तो एक्स आ जाएगा, फिर ये लाइन का मतलब सच दैट हो जाएगा, एक्स सच दैट, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो बेसिकली हमारे पास जो सेट है वो क्या कहते हैं, एक तो जाहिर सी बात है दिख रहा है हमें इवन है, सही है, यानी सारे एलिमेंट्स एक्स के, ई सेट के जो सारे एलिमेंट्स है वो इवन है, 50, 52, 54 इस तरह। और बेसिकली ये 50 से हाँ, स्टार्ट हो सिलेक्शन रहा होती है सर। है, हाँ ये 50 से स्टार्ट हो रहा है और 62 तक जा रहा है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एक्स जो है उसका 50 के साथ क्या रिलेशन है, पहले कि क्या कहते हैं, एक्स का 50 के साथ रिलेशन है 50, 50 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, सही है। यानी जो 50 है वो या तो एक्स, एक्स जो यहाँ पे स्मॉल एक्स जो है वो बेसिकली मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो मेंबर या तो 50 होगा या 50, क्या कहते हैं, 50 जो है वो किसी भी मेंबर से हो सकता है, या तो छोटा हो या उसके इक्वल हो, सही। तो बेसिकली इक्वल भी हो जा रहा है और बाकी से छोटा भी हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक्स जो है वो बेसिकली यानी 50 या 50 से बड़ा होगा एक्स, सही है, जैसे 52, 54, 56, 62 तक जा रहा है, या फिर 50 के बराबर होगा एक्स, सही है। तो यहाँ पे 50 भी है, और फिर दूसरी साइड देखेंगे तो वहाँ पे आ रहा है कि एक्स जो है वो छोटा है 63 से, सही है, हाँ 63 से सारे छोटे हैं, और या 62, 63 के इक्वल है, 63 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये लेस देन और इक्वल का साइन है, तो एक ही बात हो जाएगी, सही। लेकिन अगर यहाँ पे 63 के बजाय 62 भी अगर जैसे लिखा होता, तो 60 कुछ कह रहे हो, हेलो, मैं ये कह कह रहे रहा था ये हो, गलत नहीं लिखा हुआ इसमें, लेस देन 63 होना चाहिए ना। नहीं, तब भी चलेगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है ना, तो कोई भी एक चीज अगर वो फॉलो अप कर जा रही है तो दूसरी का वो मैटर नहीं करता। बोला तो क्या नहीं, जैसे यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो 63 से,
है, या 63 के इक्वल है। 63 के इक्वल तो चलो नहीं ठीक है है, कोई, लेकिन 63 से लेस देन है, सही है, तो इसलिए ये ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 63 के बजाय जैसे 62 लिखा होता, तो 62 के इक्वल भी है एक लास्ट एलिमेंट यानी, सही है, और 62 से बाकी सारे छोटे भी हैं, तो 62 भी अगर लिखा होता तो भी सही होता। लेकिन अगर यहाँ पे 61 होता ना, तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि 61 से छोटे सारे नहीं होंगे, एक रह जाएगा, समझे? ठीक है, और हम कह रहे हैं एक्स इज एन इवन इंटीजर, सही है, तो यानी बेसिकली सारे इवन नंबर आ गए, इस रेंज के सारे इवन नंबर हम लिखेंगे। हाँ बोलो, आवाज कट रही है तेरी। तरीके जगह 62 भी आ सकता था ना। हाँ, 63 और 62 दोनों आ सकते थे, 64 और 61 नहीं आ सकते थे। 61 इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि उससे बड़ा एक नंबर आ जाता फिर 62, मैं बोल और रहा हूँ सिक्स 63 की जगह 62 भी आ सकता था यहाँ पर। हाँ, सही कह रहे हो, ठीक है, आगे चलो। हाँ, वो तो मैं समझ गया, 61 64 तो नहीं आ सकते। सही, अब यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है कि अगर बेसिकली काफी बड़ा फाइनाइट सेट होता है, जैसे हमें 1 to 100 चलो लिखना है, तो हम डॉट डॉट लगा देते हैं, तो उसको हम इलिप्सिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के नीचे लिखा है इन्यूमरेशन ऑफ द मेंबर्स, इन्यूमरेशन मुराद यानी डायरेक्ट हम जब उनको लिखेंगे सारे मेंबर्स को, अगर वो हार्ड हो जाएगी तो हम बेसिकली इलिप्सिस इस्तेमाल करते हैं। इलिप्सिस से मुराद क्या है, ये जो हम डॉट डॉट डाल रहे हैं, जैसे 1 2 3 लिख के डॉट डॉट करके आखिर में 100 लिख दिया, सही है। इंपॉर्टेंट सेट्स क्या है डिस्क्रीट मैथ में, एक नेचुरल नंबर, यार नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है ठीक है। अच्छा ये तो होल इंटी नंबर का सेट लग रहा है पहला वाला। वही कह रहा हूँ, नेचुरल तो 1 से होता है ना, होल नंबर होता है 0 से। अभी सर ने गलती से लिख दिया होगा। खैर, ये इस तरह ये वाले सेट बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं, वो डिस्क्रीट मैथ में इंक्लूड है, एक नेचुरल नंबर का जो 1 से स्टार्ट होता है, सही है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, सही है, इंटीजर में सारे नंबर्स, सही है। अच्छा, इंटीजर की अगर हम बात कर रहे हैं ना, अच्छा हमने जैसे प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है इंटीजर का और फ्लोट, क्या कहते हैं, इंटीजर और फ्लोट का कॉन्सेप्ट हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है ना, यानी पॉइंट वाला नंबर हो रहा होगा तो वो फ्लोट हो जाएगा या डबल जो भी कह लो, ठीक है, और अगर होल नंबर है तो इंटीजर रहता है, तो यहाँ पे भी वही सीन है, एक इंटीजर का सेट हो जाएगा जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, सारे नेगेटिव भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ अगर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने होते हैं तो जी प्लस कर देता है, ठीक है। एक चीज मैं देख लेता हूँ, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर में 1 से स्टार्ट होगा, 0 को हम पॉजिटिव इंटीजर में नहीं लेते, ठीक है ना, अच्छा, नेगेटिव नेचुरल में इंटीजर नेगेटिव क्यों होंगे नहीं, ना। नेचुरल स्टार्टिंग 1 से होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर सारे नंबर 1 से आगे, 1 को इंक्लूड करते हुए, -1 से पीछे उसको इंक्लूड करते हुए 0 भी है, सही है। और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो जेड पे पॉजिटिव का साइन आ जाता है ऊपर पावर वाली जगह पे कह लो, ठीक है, और उसमें सारे बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट और नेचुरल नंबर्स का सेट एक ही है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट सर ने गलत लिखा है, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, तो ये एक तरह से नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, जो समझने के लिए, ठीक है। ठीक हाँ ठीक है, है, फिर रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा यहाँ पे पी डिवाइडेड बाई क्यू लिखा है, सही है, सच दैट पी बिलोंग्स टू जेड, यानी पी कोई इंटीजर हो और क्यू बिलोंग्स टू जेड, और क्यू भी कोई इंटीजर हो, सही, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
लेकिन क्यू क्या नहीं हो सकता, जीरो ही हो सकता है। सही है, क्योंकि क्यू से डिवाइड हो रहे हैं ना, अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो फिर ऊपर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो इन्फिनिटी हो जाती है। सही है, ठीक सही है। है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं, यानी हम किसी भी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे या तो हमें होल नंबर मिलेगा, सही, जैसे टू डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं, सॉरी, फोर डिवाइडेड बाय टू हमारे पास टू आ जाएगा, सही है। लेकिन अगर कोई और नंबर हो जाएगा तो फोर डिवाइडेड बाय थ्री तो हमारे पास पॉइंट में कुछ आएगा। सही, तो रैशनल नंबर्स के अंदर बेसिकली एक तरह से सारे दुनिया के सारे पॉइंट्स वाले नंबर और दुनिया के सारे इंटीजर्स इंक्लूड है, ठीक है। चाहे और पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हाँ, और रियल नंबर में बेसिकली सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं आता, जैसे आयोटा वगैरह हो गया इस टाइप का। सही है, ठीक सही है। है। पाए वगैरह होते हैं ना जैसे। यार मुझे एक आयोटा ही याद है वैसे तो, और पता नहीं। तो इररेशनल में आते हैं ना पाए वगैरह ये सब। इरेशनल में ना वो आ जाते हैं जिनमें अंडर रूट हो जाते हैं, जैसे अंडर रूट थ्री, ठीक है, अंडर जैसे रूट हो गया और पाई हो गया और आयोटा वगैरह ये सब इरेशनल ना। हाँ इरेशनल वो, लेकिन इरेशनल यहाँ पे शायद ये बेसिकली ना इम्पोर्टेंट सेट्स लिखे हुए हैं डिस्क्रीट के अंदर, इसके अलावा भी होंगे, लेकिन जैसे इरेशनल की अगर बात करें तो इरेशनल में वो नंबर आते हैं जिसके ऊपर रूट लगाओ, जैसे अंडर रूट फोर, लेकिन अंडर रूट फोर सॉल्व हो सकता है तो अंडर रूट फोर टू बन जाएगा, तो वो रेशनल में आ जाएगा। लेकिन अंडर रूट थ्री अगर कोई बात करें ना, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री पॉइंट में आएगा उसका जवाब, वन पॉइंट कुछ करके, तो वो बेसिकली इरेशनल में आ जाएगा फिर। सही है, ठीक हाँ ठीक है। फिर इक्वेलिटी आ जाती है। अच्छा, हमने ये बात तो पढ़ ली कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, सही है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सेट में एक एलिमेंट दो मरतबा हम नहीं लिखते, ठीक है, यानी सही पर है। हाँ ये एलिमेंट तो एक सही है। मरतबा आता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई एलिमेंट अगर किसी ने मिसाल दे रहा हूँ, यानी सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इक्वेलिटी में लिखा हुआ है टू साइड्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट, सही है। जैसे एग्जाम्पल में पहले सेट के अंदर वन टू थ्री है, सही है, दूसरे सेट के अंदर थ्री वन टू है, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और सेट तीसरे तीसरा जो करके दिया हुआ है ना इक्वल टू, तीसरा सेट, उसके अंदर वन दो बार आ रहा है, टू दो बार आ रहा है, और थ्री एक बार है, तो अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है ना, तो हम उसको एक बार ही कंसिडर करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे भी वन टू और थ्री ही बचेगा। सही है, नंबर ऑफ यानी कोई एलिमेंट को आप एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, सही है, ये यानी क्या कहते हैं इसका कॉन्सेप्ट है सेट का, ठीक है। हाँ सेट है। ठीक है, जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूंगा तो मैं वन को उसमें एक ही बार इंक्लूड कर सकता हूँ, बार बार नहीं कर सकता, ये यानी ये वाली बात, इसलिए सेट में कभी भी एक एलिमेंट बार बार आ नहीं सकता। अगर कोई लिख देगा तो आप उसको सिंप्लीफाई करके उसको एक बार लिखोगे, सही है, ये एक ठीक बार कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे नोट में लिखा है डुप्लीकेट्स डोंट कंट्रीब्यूट, वही लिखा है कि डुप्लीकेट जो होंगे वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे सेट के अंदर, सही है, तो डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, उनको एक ही बार लेना है यानी, और द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट, वो भी मैटर नहीं करता, ठीक है, वही दो बात आ गई कि ऑर्डर मैटर नहीं करता और डुप्लीकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है वन टू थ्री फोर, और वन टू टू फोर इक्वल है कि नहीं है, सही है, क्यों नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, बता। नहीं हो सकते ना इक्वल। नो है। हाँ वजह तो बता, वजह इसलिए है ना कि 1 2 3 4 है इसमें और उधर 1 2 2 4 है, 3 नहीं है। हाँ सही है, सही, यानी वो वन टू फोर हो जाएगा डायरेक्ट, सही है, सेट सही है। अच्छा, स्पेशल सेट्स में आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, वो पता ही है, डिनोटेड बाय यू होता है, ये भी पता ही होगा। जिन एलिमेंट्स पे हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारी कंसिडरेशन में होते हैं, सही, एलिमेंट्स का दूसरा नाम ऑब्जेक्ट भी है एक तरफ से, सही, यहाँ पे सर ने लिखा हुआ, सही है, तो वही लिखा हुआ है, यू यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन, सही है, यानी वो एक सेट है सारे ऑब्जेक्ट्स का, यानी सारे एलिमेंट्स का जो हमारी कंसिडरेशन है, सही, यानी अगर मैं वॉवल्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, सही है, या मैं अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूँ, तो अल्फाबेट्स में एक सेट वॉवल का बन जाएगा, एक सेट नॉन क्या नॉन वॉवल एलिमेंट्स का कह लो बन दोबारा जाएगा, बताइए, दोबारा बताइए।
जैसे मैंने एक सपोज अल्फाबेट्स का सेट बनाया, वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। अब उसमें से मैं अलग अलग सेट्स बना सकता हूँ, कि एक वोवेल का सेट बना लिया, सही है, एक नॉन वोवेल सेट का, नॉन वोवेल एलिमेंट्स का सेट बना लिया, समझे। ठीक सही। है, जैसे ऊपर नॉन वोवेल एलिमेंट्स को शायद पता नहीं क्या कॉन्सोनेंट्स वगैरह कहते हैं, क्या कहते हाँ, हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। एक उनका सेट बना लिया, एक वोवेल का बना लिया। तो बेसिकली ये हमारी कंसिडरेशन में, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 26 के 26 लेटर्स आ जाएंगे ना इंग्लिश अल्फाबेट के, तो हमारी यूनिवर्सल सेट वो हो जाएगा, समझे। हाँ सही समझ में। अगर एक मैं वोवेल के सेट की बात कर रहा हूँ और एक कॉन्सोनेंट के सेट की बात कर रहा हूँ, और मैं किसी से पूछूँ डायरेक्ट के, यार अगर हम इन दो सेट्स की बात कर रहे हैं, सही है, वोवेल और कॉन्सोनेंट की, तो हमारे यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हों, तो यूनिवर्सल सेट में डायरेक्ट सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स आ जाएंगे, सही है। ठीक सही। है, इसी तरह एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट एक ये इससे डोनेट करा जाता है, जीरो बना के उसको काट दिया, या फिर ये खाली कर ली ब्रैकेट्स, सही है, ये एम्प्टी सेट हो गए। वेन डायग्राम भी पता ही होगी मेरे ख्याल से, सही है, अ सेट कैन बी विजुलाइज्ड यूजिंग वेन डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे इसने एक सर्किल बनाया है, यहाँ पे इसने एक सेट लिया है वी, उसके अंदर ए बी सी एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अच्छा, सेट को डिनोट करने वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे वी जो है, सही है, या ऊपर हमने यहाँ पे एन जेड क्यू आर पढ़े थे, सही, ये सारे हमेशा कैपिटल होते हैं, ठीक है, आमतौर पर, और वैसे भी शायद कैपिटल ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वी के अंदर ए बी सी एलिमेंट्स हैं, सही है, इसने एक सर्किल बना दिया, ये सर्किल वी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स लिख दिया, बाकी एलिमेंट्स को हमने ऐसी कुछ रैंडम एलिमेंट्स ऐसी बना के और एक डब्बा बना दिया, वो डब्बा यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। सही है। यूनिवर्सल सेट हमेशा स्क्वायर बॉक्स में आता है ना, रेक्टेंगल हाँ, बॉक्स में। सारे सेट्स इसके अंदर आए। और ये एबीसी का क्या किया है? हाँ ये वी है, इसको सर ने वो नहीं लिखा, क्या तो देखना, सर्कल में आएगा वो। वी, ये सर्किल में जो एलिमेंट्स है ना, ये सर्किल जो है ये वी साइड है, ठीक है। अच्छा सही है। और डॉट्स डॉट्स जो लगे हैं में। सर ने ऐसी रैंडम एलिमेंट्स बनाए, तो सही है। यानी जो वी सेट के बाहर है मगर यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, सही। उसे भी आ गया वैसे, शायद हाँ आ गया वो भी। तो उसे वैसे ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सही है। तो अगर शुरू का ज़्यादा देर का नहीं है भी, वो देख लियो बाद में, ठीक है, बेसिक ही है, 2 पेज ही करा है, फिर सही है, वो देख लियो, ज़्यादा लंबा नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर सबसेट आ जाएगा, सबसेट में बेसिकली क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, यानी अगर एक सेट सेट अच्छा, अगर यहाँ पे हमने बेसिकली एक क्या करा हुआ है, एक बी सेट लिया हुआ है, ये बी सेट डायग्राम में देखना, ये बी सेट जो है ना, ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये रेड सर्किल वाले, सही है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट हैं, 4 ये हो गए और 3 ये, सही है। और हम कह रहे हैं कि ए जो है ना वो बी का सबसेट है, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होना जरूरी है, सही, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि क्या कहेंगे, तो ए के सारे एलिमेंट्स ना बी में मौजूद होना जरूरी है, तो ए के पास ये 3 एलिमेंट्स थे, तो ये जो 3 डॉट है, तो ये बी के अंदर मौजूद है, सही है। लेकिन बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं, सही, जिसमें वो 4 अलग से भी आ जाएंगे, वो ए में मौजूद नहीं है, तो बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट, ठीक है। यानी अगर बी के तुम टुकड़े करोगे, तो बी का एक टुकड़े में ये 3 हिस्से, ये 3 एलिमेंट्स निकाल सकते हैं एक टुकड़े में, तो बेसिकली टुकड़े से मुराद वही है सबसेट, ठीक है, तो इसलिए ए को हम सबसेट कह रहे हैं, ठीक 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 है। और इंडिकेट इस यहाँ पे लिखा हुआ है रेड लाइन में आखिर में, सही है, ये सबसेट का वो है। अच्छा, ये सी सबसेट का जो सिंबल है ना, ये सी बना के नीचे डैश है, सही है,
और जिस बेसिकली इसको इस तरह ही पढ़ेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। सही है, अगर उल्टा होता कि बी सबसेट ऑफ ए होता तो बी पहले आ जाता, यानी जिसकी तरफ खुला हुआ मुंह है ना वो एक तरफ से पेरेंट है, होल है। सही है, और जिसकी तरफ खुला हुआ मुंह नहीं है वो छोटा हिस्सा है, यानी सबसेट है। ठीक है, अच्छा ये जो डैश होता है ना ये शायद प्रॉपर सबसेट में आता है, प्रॉपर सबसेट सर ने पता नहीं कराया कि नहीं अलग से। बिल्कुल सही सही, सबसेट में डैश टॉपिक नहीं है, सेट्स कौन कौन से? और फंक्शन हो। ये फाइल सर की है, ग्रुप हाँ है। सही, हाँ हाँ है, नोटिफिकेशन वाले। ठीक है, अच्छा सबसेट का ये सिंबल है, ये सी बना के नीचे डैश। ठीक है, अच्छा सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एन एम टी सेट। सही, अच्छा एम टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट बन सकता है। सही है, क्योंकि आप बी का एक खाली टुकड़ा भी निकाल सकते हो। सही है, खाली टुकड़ा क्या होता है, एम टी सेट हो जाता है। तो एम टी सेट क्या होगा, सबसेट, हर सेट का एक सबसेट होता है एम टी सेट। सही है, ये ठीक है, यहाँ पे उसी चीज को प्रूफ करके दिखाया हुआ है, सबसेट की प्रॉपर्टीज में एम टी सेट की ये प्रॉपर्टीज जो है। सही है, इसको प्रूफ करके दिखाया हुआ। ठीक है, सामा ये लाइन क्या लिखी हुई है? बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स बिलोंग, ये एरो लगा हुआ है डायग्राम ये के ऊपर जो बना हुआ है। कह यहाँ पे कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए करता है। सही है, ठीक है, यानी एक्स से क्या मुराद है, एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, और ये कह रहा है फॉर ऑल एक्स। सही है, वो किसमें मौजूद हो, एक्स बिलोंग्स टू बी हो। ठीक है, ये यानी टेबुलर फॉर्म में लिखा, वो सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, यानी एक्स क्या कहते हैं, फॉर ऑल एक्स, एक्स इतना तो पता है हमें एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे इसने बता दिया। ये कह रहे फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू, कह लो विच बिलोंग्स टू ए। सही है, वो बिलोंग्स करनी चाहिए बी से भी। सही है, तो यहाँ पे यही हो रहा है, फॉर ऑल एक्स यानी एक्स फॉर ऑल एक्स ऑफ ए। सही है, एक्स के सारे एलिमेंट्स, वो ए के सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग करने चाहिए, बी से, तो बी से भी बिलोंग कर ही रहे। ठीक है, तो ये वही उसकी वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक ठीक, है, यहाँ पे फिर वही एम्प्टी सेट वाला मसला तो नहीं है ना, ये उसी का बेसिकली प्रूफ दिया हुआ है कि एम्प्टी सेट किस तरह सबसेट हो सकते हैं किसी भी सेट का। ठीक है, थ्योरम बना के उसका प्रूफ लिखा हुआ सर। सही है, ये पढ़ने ठीक देख लो कर लेते हैं। क्योंकि MCQs हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा, ये ना वो इम्प्लीकेशन वाला जो सर ने हमें शुरू में डिस्क्रीट में पढ़ाया ना, ये उसका एरो है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इस सबसेट की डेफिनेशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सही है, यहाँ पे सर ने वही बेसिकली फॉर्मूला या कह लो लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सर ने लिख दिया, वी मस्ट शो दैट फॉलोइंग इम्प्लीकेशन होल्ड्स फॉर एनी एस, यानी फॉर एनी सेट। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये इम्प्लीकेशन किसी भी सेट के लिए, यानी एनी सेट कर रही है, होल्ड कर रही है, तो ये प्रूफ दे दिया। तो यहाँ पे हमने वही लिखा, बस हमने क्या कहते हैं, सॉरी एक सेकंड, हाँ हमने ए के बजाय कौन सा सेट ले लिया, नल सेट ले लिया। सही, क्योंकि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि नल सेट जो है वो बी का सबसेट है, तो हमने ए की जगह यहाँ पे नल सेट ले लिया, वो यानी एम्प्टी सेट ले लिया। सही है, और हम यहाँ पे कह रहे हैं सिंस एम्प्टी सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। सही है, देयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू नल सेट इज ऑलवेज फॉल्स। सही है, तो ये जब फॉल्स हो जाएगा तो अगला चीज खुद ही ट्रू हो जाता था। सही है, इम्प्लीकेशन में। ठीक है, जब शुरू का हिस्सा फॉल्स हो जाता है देन द इम्प्लीकेशन इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, सही।
ठीक है, यानी वो तीन कंडीशन होती थी ना कि अगर इम्प्लीकेशन फॉल्स होती थी तो फिर चाहे आगे वाला हिस्सा ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इम्प्लीकेशन ट्रू है तो आगे वाला हिस्सा भी शायद ट्रू होना चाहिए, ठीक है, अगर इम्प्लीकेशन ट्रू है आगे वाला हिस्सा फॉल्स है, सही है, यानी अगर ए के अंदर सपोज 1 2 3 है और क्या कहते हैं बी के अंदर सिर्फ 1 2 है, सही है, 3 4 नहीं, वो 3 और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो बेसिकली क्या कहते हैं ए सबसेट नहीं बन पाएगा, ठीक है, अभी आगे डिटेल में देख लेंगे, आपको सर ने एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं दी है सर, ठीक है, तो बेसिकली इम्प्लीकेशन तो ये वो डिस्क्रीट के जो शुरू का जो हमने पढ़ा था लॉजिक वाली चीज़ें उसका सर, यहाँ पे बस असल चीज़ याद रखने की ये कि बस एम्प्टी सेट क्या कहते हैं सबसेट होते हैं किसी भी सेट का, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पहली स्टेटमेंट फॉल्स होती है कि पहला हिस्सा इम्प्लीकेशन का तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर सबसेट की दूसरी प्रॉपर्टीज है एनी सेट एस इज अ सबसेट ऑफ, सही है। अच्छा, हमें पता है कि हम एक सेट का डुप्लीकेट बना ले रहे हैं, सही है, जैसे अगर हम ये 1 2 3 का ही डुप्लीकेट बना ले रहे हैं, सही है, यहाँ पे एग्जाम्पल में इक्वेलिटी की कि हमने 1 2 3 का एक डुप्लीकेट बना लिया 3 1 2 करके, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेट सेम है, सही है, तो ये दोनों सेट ना एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये हर हर सेट ना अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स रखता है ना अपने, ठीक है, अगर यानी मैं इस सेट को ए नाम दे दूं और इस सेट को बी नाम दे दूं, सही, तो बेसिकली तो ए और बी एक ही सेट है, तो क्या कहते हैं ए और बी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो दोनों को एक नाम भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, ए इज सबसेट ऑफ ए, सही है, यहाँ पे वही लिखा है कि एनी सेट एस इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, सही है, इसको भी वही लिखेंगे, बस आगे पीछे एक ही सेट का नाम आएगा, सही है, और डेफिनेशन में क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट ऑल्सो बी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सही है, तो अगर हम क्या कहते हैं इसको अगर अप्लाई करें तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एस बिलोंग्स टू और एस के, अगर एक्स बिलोंग्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस कर रहा है, सही है, यानी एस एलिमेंट एस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या कहते हैं एस सेट के अंदर मौजूद होंगे, सही है, तो बेसिकली ये ट्रू ही रहेगा, ठीक है, इसमें यानी कोई ऐसा खास वैसे समझने का नहीं मिल, ठीक है, हाँ हाँ सही है ये बस तो आप एक मतलब। ये लाइन याद रख लेना विच इज ट्रिवियली ट्रू, सही हो सकता है सर इस तरह करके पूछ लो, ठीक है, फिर यहाँ पे नोट लिखा हुआ है द टू सेट्स आर इक्वल सबसेट ऑफ द, हाँ सही है, अच्छा ये क्या कह रहे हैं कि अगर एस सबसेट ऑफ एस होगा, सही है, अगर दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट होंगे, सही, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, यानी ये वाली कंडीशन है जो थ्योरम पहली लाइन में लिखी हुई है आखिर में, यानी एस इज सबसेट ऑफ एस, अगर इनको आगे पीछे भी कर दें तो भी एस सबसेट ऑफ एस ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है, सही, जैसे वो 1 2 3 वाली एग्जाम्पल में बताया था ना, दोनों इक्वल थे और एक दूसरे के क्या थे सबसेट भी थे, ठीक है, यानी अगर एक दूसरे के इक्वल है तो एक दूसरे के सबसेट होंगे, या अगर ये कहें कि एक दूसरे के सबसेट हैं दोनों तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहाँ पे नोट में वही लिखा है टू सेट्स आर इक्वल इफ ईच इज सबसेट ऑफ द अदर, सही है, और इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर एक सब दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों इक्वल भी होंगे, ठीक है, ये 1 2 3 वाली एग्जाम्पल में हमने देखा भी था वैसे, ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर भी हैं, सही है, और एक दूसरे के सबसेट भी हैं, अच्छा प्रॉपर सेट क्या होता है, अच्छा क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट की एक तो रिप्रेजेंटेशन में डैश नहीं आता, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं कि अगर ए छोटा हो, सही है, सपोज बी के पास यहाँ पे 1 2 ए वाले 3 और एक ए 2 3 5 और एक ए 6, बी के पास 6 एलिमेंट्स थे, ठीक है,
और ए के पास तीन एलिमेंट्स हैं, बल्कि इसको छोड़ दो, ये नीचे वाली एग्जांपल से कर लेते, इससे आसान रहेगा। ठीक है, ए के पास 1 2 3 था, बी के पास 1 2 3 और 4 5 भी था, सही है। हमने यहाँ पे देख के ये तो पता चल गया कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? कि दोनों एक दूसरे के ना इक्वल नहीं होने चाहिए, सही है, यानी सेम सेट ही नहीं होना चाहिए, सही। तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए के पास 4 और 5 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट से मुराद, क्योंकि सबसेट जो है ना वो सेट, सब से मुराद क्या होता है, यानी टुकड़ा, सही है, किसी चीज का अगर हम टुकड़ा करते हैं, सही है, सब डिवीजन इस तरह की चीजें, सही है। तो क्या कहते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट का भी अगर ये बरसगीर, जैसे सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं, कौन यानी एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है, उसका एक काफी बड़ा एक तरह से टुकड़ा ही है, इस तरह से कह लो, ठीक है। तो सबसे मुराद एक हिस्सा है, अगर ए और बी आपस में पूरे बराबर हो जाएंगे तो वो सबसेट वाली वो बात नहीं रहेगी, ठीक है। यानी तुम अगर ये कहो कि एशिया सब कॉन्टिनेंट है एशिया का, तो एक थोड़ा अजीब सी बात लग रही है, ठीक है, तो ये बात असल में, ठीक है। लेकिन किसी कंट्री की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जैसे पाकिस्तान जो है वो सबसेट ऑफ एशिया है, एशिया के एशिया बहुत बड़ा है और एशिया का एक टुकड़ा है पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही पूछ रहा है कि इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे तो सबसेट सबसेट और नहीं प्रॉपर सेट एक ही चीज हो गई फिर तो। ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एशिया का सबसेट है, लेकिन ये बात ज्यादा सही लग रही है, सही, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि एशिया जो है वो सबसेट ऑफ एशिया है, तो ये हाँ एशिया एशिया के अंदर तो मौजूद है, लेकिन ये कोई एक सबसेट वाली बात नहीं बनी, सही। अगर तुम किसी को केक के टुकड़े करके दे रहे हो तो समझ में आते, सही, केक को छुरी से काटा और सबको एक एक पीस पकड़ाया, लेकिन अगर तुम किसी को पूरा केक सर्व कर दो तो तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने उसको केक के सारे पीसेस सर्व करे, सही, तुम कहोगे मैंने उसको पूरा केक सर्व करा, तो वो एक सबसेट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई, क्योंकि सेट सेट हो गया होल और उससे पहले हमने सब लगा दिया, तो सब का मतलब पार्ट है, पार्ट ऑफ सेट, सही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए जो है ना वो पार्ट ऑफ बी है, सही है, यानी बी का अगर हम दो टुकड़े करें, एक टुकड़े में 1 2 3 आ जाए, एक टुकड़े में 4 5 आ जाए, ठीक है, तो उसमें से एक टुकड़ा ए बन जाएगा, ये कहने का मतलब है सर, समझे? देखो जैसे ए सबसेट ऑफ बी हमने पढ़ा था कि ए में जो है बी के कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो प्रॉपर सबसेट में भी तो यही हो रहा है ना, बिल्कुल सेम काम हो रहा है कि बी के कुछ एलिमेंट्स ए में मौजूद है। लेकिन हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा ना कि अभी आगे आते हैं ना, अच्छा इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है ना, इम्प्रॉपर सबसेट इक्वल सेट भी होता है आपस में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये वाले जो एस सबसेट ऑफ एस पढ़ा था ना, यानी ये 1 2 3 वाली एग्जाम्पल, ये इक्वेलिटी में कि 1 2 3 बराबर है 3 1 2 के, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है, सही है, और ये दोनों एक दूसरे के किस तरह के सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अगर दोनों आपस में अगर दो सेट्स आपस में इक्वल हो तो एक दूसरे के सबसेट होंगे, या अगर दो सेट हम ये उल्टा इसका कहें, अगर दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, तो यानी दोनों सेट इक्वल होंगे, ठीक है, ये 1 2 3 वाली यही एग्जाम्पल ले रहा, सही है। तो लेकिन दोनों में सारे एलिमेंट्स मौजूद है, सही है, एकदम सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर में क्या हो जाएगा, किसी वो जो प्रॉपर सबसेट प्रॉपर में ये होगा, होगा कि कुछ एलिमेंट्स नहीं होंगे और जो इम्प्रॉपर होगा उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे। हाँ सही, बस यही है, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये है डायरेक्ट सी, सही है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल सी है, और नॉर्मल सबसेट का सिंबल ये सी के नीचे डैश, ठीक है। अब ये क्या चीज है, हाँ सेट है। सलाम वालेकुम। वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बस अच्छा सर, ये कार्डिनेलिटी क्या है कि हम एक सेट ले रहे हैं एस सपोज के तौर पे, सही है? अच्छा, उसके अंदर सपोज एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, सही है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कहना है, सिर्फ एलिमेंट्स कहना एक ही बात है, सही है? अच्छा सर, रिकॉर्डिंग भी हो रही तो रिकॉर्डिंग देख लो शुरू की, सही है? यहाँ से आगे की चीज़ें कर ले, ठीक है? तो ठीक ठीक है, तो क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आते हैं, सेम एलिमेंट्स तो आ नहीं सकते, तो बेसिकली यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और सिर्फ एलिमेंट्स कहने एक ही बात है। तो एन जो है वो एलिमेंट्स हैं एस के अंदर, सही है? एन जो है एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, सही है? और एन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है? तो और हम क्या कह रहे हैं, ये एक फाइनाइट सेट भी है, सही है? और हम कह रहे हैं कि फिर एन जो होगा ना वो क्या होगा, कार्डिनेलिटी ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है? और कार्डिनेलिटी ऑफ एस को, सही है, सेट हमने एस लिया था, कार्डिनेलिटी ऑफ एस को किससे डिनोट करेंगे, मॉडुलस के साइन में एस लिख देंगे, सही है? एक एग्जांपल इसने लिए, वी इजिकल्स टू 1 2 3 4 5, सही है? तो इसका कार्डिनेलिटी क्या हो फाइनाइट सेट जाएगा, कौन सा होता है? फाइनाइट सेट। जो लिमिटेड होता है, अच्छा ठीक है, जिसकी कोई लिमिट हो, सही है सही है? समझ। तो बेसिकली यहाँ पे वी सेट के अंदर 1 to 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसका कार्डिनेलिटी 5 हो जाएगा, और ए सेट के अंदर 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, तो उसकी कार्डिनेलिटी 20 हो जाएगी, सही है? और नल सेट के अंदर 0 एलिमेंट्स होते हैं, तो उसकी कार्डिनेलिटी 0 हो जाएगी। मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितने एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनलिटी है। हाँ ठीक, सही है। और यानी सिंपली ये कह लो यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनेलिटी से, लेकिन कार्डिनेलिटी कहाँ एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर्स हो, सही है? और जहाँ पे फाइनाइट सेट हो, दो कंडीशन है कार्डिनेलिटी के, वरना हम क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है, वरना ठीक है, सारे पॉजिटिव होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, बस ये दो कंडीशन है। इनफाइनाइट सेट भी पता ही होगा, जो अनलिमिटेड सेट होता है, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 करके डैश डैश लगा दिए, सही है? और सेट ऑफ रियल नंबर्स, सही है, वो भी यानी अनलिमिटेड है। अभी यहाँ पे अगर कोई ये लिख दे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, शुरू के 10 10 नेचुरल नंबर्स की अगर बात करेंगे तो वो लिमिट आ जाएगी, यानी 1 to 10 की बात करें। सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो शुरू के 100 नेचुरल नंबर्स, 1 to 100 की बात आ जाएगी, तो लिमिट आ जाएगी, वो फाइनाइट हो जाएगी, सही? इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा, पावर सेट क्या होता है, द पावर सेट ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस, सही? तीन चार छः सात आठ, अच्छा ये पावर टू की सेट पावर क्या, वन वाला है ना? हाँ वही है, तो क्या कह रहा था, हाँ क्या, यानी किसी पावर सेट वो होते, अगर हमारे पास कोई सेट एस मौजूद है तो उसका पावर सेट किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ एस इस तरह करके ब्रैकेट के अंदर, सही? जहाँ पे जैसे करा हमारे पास सेट एस मौजूद था, सही है, उसका पावर सेट किससे डिनोट करेंगे, पी ऑफ एस से, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, एस के अंदर एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, 3 एलिमेंट्स मौजूद थे, सही है? तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर n होंगे, यानी n यहाँ पे क्या है, कार्डिनेलिटी कह लो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लो, ठीक है? तो कार्डिनेलिटी इसलिए ऐसी बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा याद रहे, ठीक है? तो क्या कहते हैं, एस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, तो 2 की पावर 3 8 हो जाता है, यानी 8 इसके सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। अच्छा सही है। अच्छा, पहला सबसेट तो नल सेट होगा, सही है? और आखिरी सबसेट हमेशा उसका पूरा वो क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट लिख देते हैं पूरा, यानी पूरा एस कॉपी कर देते हैं, ठीक है? पहला और आखिरी सेट तो ये हो गया, सही
दूसरा सेट क्या होगा, वन आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर थ्री आ जाएगा, सारे एलिमेंट सिंगल टाइम आ जाएंगे, सही है। फिर हर एलिमेंट को दो दो के पेयर में ले लेंगे, वन टू को ले लिया, वन थ्री को ले लिया, वन दोनों के साथ आ गया, फिर टू और थ्री को ले लिया, ठीक है। इसकी एक और बात यह है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, भले 1 2 आए या 2 1 आए, एक ही बात है। हाँ ये चीज़, अच्छा ये एक चीज़ याद रखना, ये एक चीज़ तो इस पर समझाना भी मुश्किल है कि जैसे बेसिकली यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि सेट के अंदर सेट मौजूद है, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो पूरा जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वन है ना, ये एलिमेंट ऑफ पावर सेट है, सही, पावर सबसेट ऑफ एस जो भी कह लो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो पूरा टू कर्ली ब्रैकेट में, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह जो वन टू का बेसिकली कर्ली ब्रैकेट में जो वन टू लिखा है, ये पूरा जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये एलिमेंट ऑफ पावर सेट हो गया, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है ना, इसके खुद के दो एलिमेंट है, वन टू, सही। जैसे हम पाइथन में शायद मेरे ख्याल से ट्राई भी करा होगा कि हम लिस्ट के अंदर ही लिस्ट बना देते थे, सही है, टू डायमेंशनल काम करते थे, सही। मैट्रिक्स का जब शुरू में सर ने शायद कराया था, याद होगा, हाँ हाँ भाई, सही। यानी सेट के अंदर भी, यानी सेट का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सेट है, सही है। और सेट के यानी यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि वन और टू किसके एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है, और ये पूरा जो सेट है ये किसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, समझे मेरी बात, ठीक है। तो हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये चीज हो गई, सही तुम ये है। बात कार्डिनेलिटी के लिए बता रहे हो ना कि कहीं कार्डिनेलिटी गलत ना निकाल दें, उसको दो काउंट कर लें जो दो नंबर है। नहीं वो कार्डिनेलिटी तो अलग है, यहाँ पे कहने का मकसद ये है, यहाँ पे जैसे पहला सेट नल सेट था, दूसरा वन था, तो यहाँ पे वन जो है ना, वो वन किस सेट का एलिमेंट है, अंदर वाले सेट का एलिमेंट है, सही है। और ये वन वाला सेट जो है ना, ये इस सेट का एलिमेंट। इसी तरह जब ये सारे सिंगल एलिमेंट हो गए, फिर हम डबल एलिमेंट पे आए, यहाँ पे वन और टू किसके एलिमेंट है, इस अंदर वाले सेट के एलिमेंट है, जो छोटा सेट है, ठीक है। मतलब हमसे देखो अगर पूछी गई कार्डिनलिटी वन और टू की तो हम टू बताएंगे, और अगर पावर सेट की पूछी हो तो एट बताएंगे। की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात ये हो रही है कि वन और टू किसके एलिमेंट है, सही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो वन और टू किसके एलिमेंट है, इस अंदर वाले सेट के एलिमेंट है, जो छोटा सेट अंदर है ना, समझे। हाँ हाँ समझ गया मैं बात। और ये पूरा सेट किसका एलिमेंट है, ये जो मेन हमारा जो पूरा सेट है, इसका एलिमेंट है, ये चीज है, सही है। और यहाँ पे इसी तरह एक सेट ए ले लिया, यहाँ पे ए के अंदर एक एलिमेंट था, तो टू की पावर वन, तो टू आ जाएगा, तो दो एलिमेंट होंगे, एक नल सेट आ गया, और एक हमने क्या रख लिया, वो पूरा सेट ही उठा के रख लिया, तो वही दो एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे इसकी कार्डिनेलिटी भी लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कार्डिनेलिटी ऑफ एस लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कार्डिनेलिटी ऑफ पावर सेट लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसी तरह कार्डिनेलिटी ऑफ ए लिखी हुई है, कार्डिनेलिटी ऑफ पावर सेट लिखी हुई है। अच्छा बी जो है यहाँ पे, उसको नल सेट लिया, नल सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, जीरो, तो टू की पावर जीरो कितने हो गए, वन हो गए, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, एक आएगा, कौन सा आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये चीज देखने की है कि जो बी जो है उसकी कार्डिनेलिटी जो है वो जीरो है, सही, लेकिन जो पावर सेट ऑफ बी है उसकी कार्डिनेलिटी वन है, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर नल सेट को किसी सेट के अंदर रख दें तो वो एज एन एलिमेंट एक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज भी, ये बी वाले एग्जाम्पल समझ में आ गई है, सही हाँ हाँ इजी है तो। हाँ है। सही, यहाँ पे ये यह वही टू की पावर एन वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, सही है, कि हाँ एन जो है वो कार्डिनेलिटी है, और फिर टू की पावर एन यानी कार्डिनेलिटी रख लो तो पावर सेट की तादाद आ जाएगी। सेट है, अवेंट अपन देख, अच्छा ये नई चीज लग रही है, ये नहीं पढ़ी हुई मैंने। कार्डिशियन प्रोडक्ट है, और क्या-क्या है, सेट ऑपरेशन भी करे हैं, यूनियन वगैरह भी करा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तुम लोगों ने ओप कर लिया? नहीं, इसके बाद वेट करेंगे।
पावर सेट हो गया, फिर सेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अन ऑर्डर्ड कलेक्शन एंड डिवाइस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कलेक्शन. अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा जो हम बेसिकली ग्राफ पे जो जब ग्राफ बनाते तो ग्राफ पे जब पॉइंट लिखते हैं तो हम उसको राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ठीक है. जैसे ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है, सही. और राउंड ब्रैकेट में हम उसको इनक्लोज करते हैं, ठीक है. तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना ये टपल कहलाती है, इसको ऑर्डर्ड पेयर भी हम कहते हैं, ठीक है. तो ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं ना इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है. यानी अगर मैं एक्स को 0 रखूं और वाई को 5 कर दूं तो ये एक्स 0, सही है, यानी एक्स एक्सिस पे ही रहेगा और वाई 5, ठीक है, यानी ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आएगा इस तरह, सही है. अब इसका अगर उल्टा कर दूं कि एक्स पे 5 रख दूं, ठीक है, और वाई को 0 रख दूं तो ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आएगा. यानी अगर आगे पीछे नंबर कर दूं, यानी हम कोई कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, अगर हम उसमें नंबर को आगे पीछे करते हैं, जैसे यहाँ पे 12 18 लिया हुआ है तो 18 12 अगर उल्टा कर दें इसको तो फर्क पड़ेगा, सही है. ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है, सही है. ये ग्राफ वाला तो ये पता होगा ना, ठीक है. तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि जहाँ पे हमें तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, ठीक है. जैसे नेचुरल नंबर हो गए, प्राइम नंबर, ये सारी इस टाइप की, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, सही है. तो लेकिन जो टपल्स होते हैं यहाँ पे ऑर्डर मैटर करते हैं, यानी ग्राफ के पॉइंट्स जो हम बेसिकली ले रहे होते हैं ऑर्डर्ड पे आमतौर पर उन्हें कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने ऐसी एग्जाम्पल ली हुई, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दिया हुआ 2D प्लेन में, यानी वही ग्राफ, सही. जो हमारा पेपर होता है वो 2D होता है, ठीक है. तो उस पर 12 18 एक पॉइंट लिया हुआ है मिसाल के तौर पे, ये, ठीक है, यहाँ पे. और यहाँ पे डेफिनेशन में लिया हुआ लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड एन टपल, सही है, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं x1 x2 और कहाँ तक जा रहे हैं xn तक. इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन दैट हैज x1 एज इट्स फर्स्ट एलिमेंट, x2 एज इट्स सेकेंड एलिमेंट एंड xn इट्स nth एलिमेंट, सही है. 1th एलिमेंट है ये, 2th एलिमेंट है ये, nth एलिमेंट होगा, ठीक है. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका नहीं पता यार, ये कैपिटल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मुझे नहीं आइडिया, ये पता नहीं, सही है, ठीक है. आगे चल रहे, बेसिकली ये टपल को एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर भी ले सकते, लेकिन टपल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स आए, ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग 2 ही लेते हैं, एक्स वाई, थर्ड भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है, ठीक है. बेसिकली एक ही चीज है वैसे शायद, ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम आ जाते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, अच्छा एस और टी दो सेट्स ले लिए, सही. इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये तो याद कर लेना, सही है, ठीक है. तो क्या कहते हैं, एक सेट एस ले लिया उसके एलिमेंट 1 2 थे, और दूसरा सेट ले लिया टी उसके एलिमेंट्स क्या थे ए बी सी, सही है. अब इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल यार लेंगे थामा ना, हाँ यार, वो थोड़ा सा वो एन टपल वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है यार। यार ऑर्डर्ड पेयर पता है, यानी जो हम हाँ ग्राफ ऑर्डर पे पे बना, बता। हाँ हाँ वो पता है। बस वही है, यहाँ पे नाम दूसरा दिया हुआ है. एन टपल से मुराद इसकी नंबर ऑफ वो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिखो, देखो ना कि x1 और x2 वो होगा तो साथ में। एकदम यार वो तो साइंटिफिक डेफिनेशन है ना, वो छोड़ दो. ये जो शुरू की 2 लाइनें ना, बस ये पढ़ो, सेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अनऑर्डर्ड कलेक्शन जो हमने पढ़ा है, सही है, और एन टपल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड कलेक्शन. जैसे ग्राफ पे हम जो पॉइंट लेते हैं उनको टपल के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ठीक ठीक है. बस ये चीज है, वो साइंटिफिक डेफिनेशन में घुसोगे जुमला समझ आएगा नहीं आएगा, वो फिर कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है. बस यहाँ पे उसमें भी यही करें कि उसमें अगर हम बेसिकली ग्राफ हम आमतौर पर 2D बना रहे थे ना, एक्स और वाई एक्सिस का, 3D भी बन सकता है, 4D, आगे जितने भी आप चले और डायमेंशन वो अलग है, लेकिन कहने का मकसद ये है, यानी
क्या कहेंगे, जैसे जैसे हम मिसाल के तौर पे डायमेंशंस बढ़ा रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेट ऑर्डर्ड पेयर के या टपल के बढ़ जाएंगे। सही है, जैसे एक्स वाई दो डायमेंशन था तो ऑर्डर्ड पेयर कितना होता था, एक्स वाई। सही है, दो एलिमेंट होते थे और ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, मैं पता है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। मिसाल के तौर पे एक्स वन से लेके एक्स एन तक के उसने एलिमेंट रखे हुए हैं। एक्स वन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, एक्स टू सेकेंड, और एक्स एन क्या हुआ, एनथ एलिमेंट, यानी एनथ एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट, बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसकी वजह से ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, ये एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू लिखा हुआ है सर ने, ये क्या है। इसी की वजह से तो पूछ रहा था मैं, डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही अच्छा थी। अच्छा अच्छा ये मुझे समझ में आ गया कि जब ये टपल की बात हो रही है ना, एक अगर एलिमेंट होगा तो फिर वो आगे पीछे हो ही नहीं सकता। दो एलिमेंट इसीलिए दो होने चाहिए या फिर दो से ज्यादा होने चाहिए, जबकि उनकी पोजीशन जो है वो ऑर्डर में रहेगी। उसको हम मतलब कि डिसऑर्डर भी कर सकते हैं, एक एलिमेंट को तो हम कर ही नहीं सकते ना, तो टपल जो है वो एक एलिमेंट से ज्यादा का होगा। हाँ सही है, ठीक है, यानी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एटलीस्ट दो एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी हम जो डायमेंशंस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो हमेशा एक्स वाई में लिखते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक ही एक्सिस को लेके उसके पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, एक क्योंकि एक को तो हम वो भी नहीं कर सकते ना, डिसऑर्डर कर भी नहीं सकते। एक तो हमेशा लिस्ट उसमें भी टपल में भी ऑर्डर में रहेगा, और वो क्या था सेट में भी ऑर्डर में ही रहेगा। हाँ यही चीज सही है, सही, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, चाहे एस के दो एलिमेंट हैं, टी के तीन एलिमेंट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू या टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, वही सिक्स आ जाएगा। तो एस क्रॉस टी, अच्छा कार्टेशियन का सिंबल क्रॉस होता है, ठीक है, तो एस क्रॉस टी जो होगा वो छः एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। और एलिमेंट लिखेंगे किस तरह से, क्योंकि एस क्रॉस टी है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, पहला एलिमेंट एस का लेंगे वन, और इसके साथ टी के तमाम एलिमेंट्स को पेयर करेंगे, पहले वन ए को करा, फिर वन बी को करा, फिर वन के साथ सी को करा, अब वन और कोई एलिमेंट है नहीं तो अब एस का सेकेंड एलिमेंट ले लिया, टू टू के साथ ए को करा, फिर टू के साथ बी को करा, फिर टू के साथ सी को करा। सही है, दोनों के एलिमेंट्स खत्म हो गए, यहाँ पे हमारे पास छः एलिमेंट्स बन गए। अच्छा यहाँ पे वन और ए जो है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है, ये टपल का एलिमेंट है, लेकिन ये जो पूरा ऑर्डर्ड पेयर ये, या जो ये क्या कहते हैं, ये पूरा जो टपल है ना, ये सेट का एलिमेंट है, समझे। ठीक हाँ हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही। है, इसी तरह अगर हम उल्टा करें ना, रिपीट करिए, मैंने मिस कर दी बात। वन और ए जो यहाँ पर है ना, वो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है, सही है, या कह लो टपल के एलिमेंट है, लेकिन ये जो पूरा टपल है ना, वन ए का ऑर्डर्ड पेयर, सही है, ये सेट का एलिमेंट है, सही है, हाँ सही सही, ठीक है। तो यानी जो सेट के जो छह एलिमेंट्स है ना, वो छह ऑर्डर्ड पेयर है, सेट के छह एलिमेंट क्या है, छह ऑर्डर्ड पेयर या छह टपल है यहाँ पर, ठीक है, और हर ऑर्डर्ड पेयर के पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स मौजूद है, सही है। अच्छा क्या कहते हैं, हमने अभी एस क्रॉस टी करा था, अगर हम टी क्रॉस एस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, पहला एलिमेंट ए का ले लेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट टी का आएगा ए, सही है, फिर उसको एस के एलिमेंट्स के साथ पेयर करते जाएंगे, ए वन ए टू, सही, इसी तरह फिर बी वन बी टू आ जाएगा और सी वन सी टू आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे दिख भी रहे साहब के एस क्रॉस टी और टी क्रॉस एस बराबर नहीं है, ठीक है, हाँ उसका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, बराबर कैसे होंगे। यानी 1.2 का ऑर्डर पेयर और 2.1 का ऑर्डर पेयर सेम नहीं होता, तो ये दोनों कैसे सेम हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इनका सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अच्छा क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हमने किस तरह कैलकुलेट कर दिया कि छः होंगे, एस की कार्डिनेलिटी निकाली थी दो, और टी की कार्डिनेलिटी निकाली थी तीन, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दिया था तो छः आ गया था, तो जो छः था वो एस क्रॉस टी की या टी क्रॉस एस की कार्डिनेलिटी थी, सही है, तो यहाँ पे ये उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है कार्डिनेलिटी की फॉर्म में, ठीक है, हाँ सेट है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह क्या कहते हैं, वर्डिंग्स के साथ एग्जाम्पल दी हुई है, ब्लू रेड ग्रीन सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, यहाँ इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, तो ए की कार्डिनेलिटी तीन है, बी की तीन है, तो ए क्रॉस बी की भी तीन होगी, सही कार्डिनेलिटी, ठीक है, ये और ये बना के चेक करना तो कर लेना भैया, ठीक है।
और आगे सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन सेट ए टू बी सेट अच्छा अच्छा वैसे तो ये रिलेशन में चले जाएगा आगे, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो सबसेट था ना, वो सॉरी सबसेट कह रहा हूँ, ये जो ऑर्डर्ड पेयर था वन वन कॉमा ए, ये पूरा टपल जो है सही है, ये इसका एक सिर्फ सबसेट के तौर पे भी हम अलग से लिख सकते हैं, सही है। तो कहने का मकसद ये है, वन कॉमा ए जो है ना, ये रिलेशन है फ्रॉम सेट एस टू टी, सही है, यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है, अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, सही, यहाँ पे हमने जैसे एस क्रॉस टी लिया हुआ था, तो अ सबसेट ऑफ एस क्रॉस टी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम द सेट एस टू द सेट टी, ठीक है, सही है। ये बस ऐसी एक जुमला पता होना चाहिए, वरना फिर आगे की चीज वो रिलेशन के टॉपिक में चली जाएगी, ठीक है। सेट ऑपरेशंस भी पता ही होंगे, यूनियन का ऑपरेशन पता है, ठीक है, यूनियन में हम दोनों जितने भी सेट्स होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख लेते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को इतना वो नहीं कर रहा, ठीक है, यार लंबा हो वेन जाएगा डायग्राम बता दे थोड़ी सी। यार। ए का सेट बनाया हुआ था, बी का सेट बनाया हुआ था, ए के अंदर 1 2 3 6 था, सही है, सपोज ये 1 2 3 था और ये 6 था मिडिल वाला, बी के अंदर क्या है 2 4 6 9, तो ये 2 4 और 9 हो गया और 6 ये आ गया, 6 क्योंकि यहाँ बीच वाले हिस्से में ओवरलैपिंग वाले हिस्से में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 6 क्या है दोनों में कॉमन है, तो ये यहाँ ठीक पे आ गया, और यूनियन में क्या करते हैं सारे मिला के 1 फिर 2 आ गया फिर 3 आ गया, फिर चाहे फिर कोई रिपीटिंग हो कुछ हो, सारे एलिमेंट्स आते हैं एक बार आते हैं यूनियन में, ठीक है इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं, एग्जाम्पल वही ली हुई है सर ने दोबारा, ठीक है, ए में 1 2 3 6 थे डॉट, सर ने सारे नहीं लगाया सर, और यहाँ पे बी में 2 4 6 9 था, दोनों का कॉमन एलिमेंट 6, बेसिकली यहाँ पे दोनों का कॉमन एलिमेंट 2 और 6 था, ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, वेन डायग्राम की नहीं कर, सही है, तो एग्जाम्पल में कॉमन एलिमेंट्स 2 और 6 है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी आ गए, इंटरसेक्शन में ये उल्टा यू बनता है और यूनियन में अबे यू तो इनकी बनता वेन डायग्राम सेम नहीं हो गई यार, है यार, सर ने वेन डायग्राम इतने प्रॉपर से नहीं बनाई है, समझाने के लिए बताइए, बस वेन डायग्राम में इसमें ये होगा ना कि एक डॉट जो है और बी में आपस में है ना, उनके जगह दो डॉट आ जाएगा, 2 और 6 दोनों का। हाँ, जो बेसिकली ओवरलैपिंग वाला हिस्सा वो इंटरसेक्शन को शो करता है और दोनों को मिला के वो क्या कहते हैं, जब दोनों सेट को मिला लेते हैं तो हमें यूनियन मिल जाता है, यहाँ पे जो पहली वाली वेन डायग्राम है इसमें सर ने यूनियन की क्या करी हुई है, हल्की हल्की वो करी है आउटलाइनिंग, डॉटेड आउटलाइनिंग करी है, शायद दिख रही हो, ठीक है, सही है, ये तो इतना खैर कोई वो नहीं है मसला, चल डिसजॉइंट क्या होता है, अच्छा क्या कहते हैं सही है, जिनमें अच्छा किसी सेट का वो एमपीटी हो। हाँ, जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए यानी दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहला जाएंगे, एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाएगा तो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल सेट, ये हो गया, सही है, यहाँ पे कार्डिनेलिटी ऑफ यूनियन सेट की वो लिखी हुई है फॉर्मूला, ठीक है, यूनियन सेट की कार्डिनेलिटी कैसे निकालेंगे, ए की कार्डिनेलिटी यानी ए यूनियन बी है उसकी कार्डिनेलिटी चाहिए, तो ए की कार्डिनेलिटी प्लस बी की कार्डिनेलिटी, सही है, और माइनस क्या कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनेलिटी, सही, यानी ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स, लेकिन अगर दोनों में सपोज कोई कॉमन जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा है उसको माइनस कर देंगे। तो रिपीट को माइनस कर दें बस, ये सही, सेट डिफरेंस भी आसान है, एक देखिए हाँ सेट डिफरेंस तो नॉर्मल है, ए हमारे पास था 1 2 3 5 7, बी हमारे पास 1 5 6 8 था, ठीक है, ए माइनस बी करा तो क्या कहते हैं बी के ए में ए से बी और के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हट जाएंगे, यानी 5 हट जाएगा और 1 हट जाएगा, हाँ 5 और यानी ए में से 5 और 1 माइनस कर देंगे, 1 5 माइनस कर देंगे, 6 8 ए में मौजूद नहीं है,
तो ए के जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, यानी जो पॉजिटिव होगा ना उसके बचे हुए एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये कह ए माइनस बी में ये हुआ है। ठीक है, सही है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक, ये सबकी टेबुलर फॉर्म भी देख लेना, वो टेबुलर कह रहा हूँ सबकी ना, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लेना। ठीक है, हो सकता है सर पूछ लें कि ये किसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, या दे दोगे सर इसकी कितने सेट। नंबर का क्विज है यार? 20 नंबर का और 60 का पेपर लेंगे वो। हाँ, किसका सही पेपर लेंगे? 60 का पेपर होगा डीएम का, ये कह रहा है। अन्य बोला था हो सकता है तीसरा क्विज भी ले लूं मैं, तो 40 नंबर का पेपर हो जाए। टाइम लग हुआ तो नहीं रहा, बोलो। खैर देखते हैं पहले इसका तो कर लो। सही है। अच्छा ये सेट बिल्डर फॉर्म सबके खुद पढ़ लेना, याद करने वाली चीजें ये इतना वो मुझे भी याद। ठीक है, इसमें वही क्या कहते हैं सर ने जो डिस्क्रीट के शुरू में जो लॉजिक वाले चैप्टर चल रहे थे वहीं से सिंबल उठाए हुए। सही है, एंड वगैरह वाले, इंप्लीमेंट वाले। सही है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी पता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो कंसिडरेशन वाले सेट होते उसको माइनस कर देते तो कॉम्प्लीमेंट आ जाते। सही, यूनिवर्सल में 1 to 8 मौजूद है, ए में 1 3 5 7 मौजूद है, माइनस कर दिया तो 2 4 6 8 बच गया ए कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा यहाँ पे सर ने ए कॉम्प्लीमेंट को ना ए बार से भी रिप्रेजेंट करा हुआ है, और दूसरा वो तरीका होता है वो जो कॉमा लगा देते हैं ऊपर पावर वाली जगह पे। सही है, हो रहा खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा यार कंप्यूटर का एक काम करेंगे ऊप का ना, वो शाम में पढ़ लेंगे। हाँ यार सही है, शाम में करेंगे क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली है, मेरे को लाइट नहीं आ रही अभी। हाँ सही है अच्छा सिर्फ थ्योरिटिकली पेपर है या फिर सर प्रोग्राम वगैरह भी लिखवाएंगे? यार, वैसे तो थ्योरेटिकली कोई छोटे मोटा प्रोग्राम दे दिया तो कुछ, यानी पूछ लेंगे कि ये क्या प्रिंट करेगा, ये क्या करेगा। सर ये मतलब डेफिनेशन। सर ने बोला अगर कोड दूंगा भी तो कोड आपको याद नहीं है तो छोड़ देगा, आप उसको जो है वर्डिंग्स में एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख दें या फिर किसी भी लॉजिक सही से लिख दें। जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम पूरा रन हो या उसकी सिंटैक्स वगैरह सही हो, आपके पास लॉजिक वो सही तो होना चाहिए। वायरल होगा वैसे शायद, है नहीं सर ना? ने पेपर में भी यही बोला था, पेपर में भी कर सकते हैं। हाँ पेपर का बोला था, पेपर का बोला था, ये तो बोला था कि आप जो है वो अपनी वर्डिंग में ही लिख दें, मैं समझ जाऊंगा। यहाँ तक कि इवन कि अगर नहीं आ रहा है तो आप उसमें रोमन में समझा दो। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के बाद ना यहाँ पे सेट आइडेंटिटीज में ना यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, ये वो देख खुद भी देख लेना। वैसे यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी का भाई ये तो फॉर्मूला, लाजमी करना है, ये तो एमसीक्यूज में लाजमी आएगा कि ये क्या होता है। सही है। अच्छा, ए का यूनियन नल सेट के साथ निकालोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ये वापस आ जाएगा। सही है, और दूसरा क्या कहते हैं अगर यूनिवर्सल सेट का और ए का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें भी ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सही हाँ सही है। है, सही है, सही है, ये हो गया। और ये आइडेंटिटी के फॉर्मूले हैं। सही है, हेडिंग के साथ याद करना मेरे का। सही है, फिर डोमिनेशन में आ जाएगा कि ए का और यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, और ए का और नल सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो नल सेट ही आएगा, कुछ कॉमन ही नहीं होगा। ठीक सही है, सही। है, अच्छा ये आइडेम्पोटेंट करके कुछ है पता नहीं क्या, ए का यूनियन ए के साथ ए आएगा और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ वो भी ए ही आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आया, अच्छा ये दो एब्जॉर्प्शन लॉ इनको याद करना शायद पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकालेंगे ए के साथ तो ए आ जाएगा। सही है, और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ तो ए आ जाएगा। इसमें हुआ क्या, एक सेकेंड।
सपोज ए के अंदर 1 2 था और बी के अंदर 2 3 था एलिमेंट, सही है? तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2, सही है? और 2 को अगर हम यूनियन ले लें ए के साथ, यानी 1 2, तो 1 2 आ जाएगा यानी ए आ जाएगा, ठीक है? जैसी बता दे रहा हूँ वो वैसे तो याद करने वाली चीज़ है। दूसरा हाँ अगर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए और बी में जो है वो सिमिलर एलिमेंट आ जाएंगे, और यूनियन में वही सिमिलर एलिमेंट ए के साथ लेकर जो है वो यूनिवर्सल सेट दोबारा से ही आ जाएगा। इसी तरह अगर ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, और फिर अगर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 2 यानी ए आ जाएगा, ठीक है? ये वो हो गया। इसी तरह अगर क्या लिखा है, अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट और ए का अगर यूनियन निकालते तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, सही है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए आता है, सही है? तो इसका यूनियन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट होगा। और कॉम्प्लीमेंट में और नॉन कॉम्प्लीमेंट में यानी सेट में, यानी ए और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं होता, ठीक है? तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही एलिमेंट है, ठीक है? और कम्यूटेटिव में यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, वो भी एक बात है, सही है? और एसोसिएटिव में कि बी यूनियन सी निकाल के फिर उसका ए के साथ यूनियन, या ए यूनियन बी निकाल के उसका सी के साथ यूनियन, और वही इंटरसेक्शन में भी वही है, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फिर ए के साथ, फिर ए बी दूसरी तरफ ए बी का पहले फिर उनका सी के साथ, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव ये याद करने का फॉर्मूला है, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है? और अच्छा डिमॉर्गन देख लो, यहाँ पे डिमॉर्गन काम आ जाएगा कि ए और ए यूनियन बी पे बार लगा हुआ था, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था, सही है? अभी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ो, यानी बारी एक ही चीज है ना, तो ए यूनियन बी का बार था हमारे पास, हमने पूरे पे से बार हटा के ए और बी पे लगाया, और क्या किया, तो यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया, सही? इसी का उल्टा होगा इंटरसेक्शन के वक्त में, कि ए और ए इंटरसेक्शन बी था, पूरे पे बार था, तो जब सिंगल एलिमेंट पे बार करा ए बार और बी बार करा तो इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में चेंज हो गया, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूटिव तो याद करने का, ठीक है? तो वैसे नाम के साथ याद करना मेरे ख्याल से सब, ठीक है? ये हो गए, ठीक है? यहाँ पे उन्हीं में से किसी एक को शायद प्रूफ कर रहे हैं, सेट आइडेंटिटीज कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग मेंबरशिप, लिस्ट ईच कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स एन एलिमेंट कैन बी, सही? यहाँ पे वही एक तरह से एग्जांपल करीबी कह लो, ठीक है? ये देखना तो देख लेना, जनरलाइज यूनियन एंड इंटरसेक्शन, द यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट्स इज द सेट that contain these elements that are members. The set that contain these elements are members are the ones set in the collection. यार ये भी वैसे रटने वाली चीजें देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल मल्टीपल सेट्स का यूनियन लेके उनको एक सेट में एज अ होल लिया हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद, ठीक है? और इसी तरह इंटरसेक्शन में भी करा हुआ है इसी का, ठीक है? कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स इन द कंप्यूटर, वन सॉल्यूशन डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक अ लिस्ट, बेटर सॉल्यूशन असाइन अ बिट इन अ बिट स्ट्रिंग टू ईच एलिमेंट इन द यार इसको यूनिवर्सल। पहले वाले टॉपिक में आवाज चली गई है तुम्हारी बिल्कुल ही। यार ये देख लेना, ये मेरे ख्याल से बस ये करा हुआ है, मल्टीपल सेट्स के यूनियन लेके उनको एक सेट में इनक्लोज करा हुआ है, इसके और इसी ऊपर, इसके तरह ऊपर यार ये पता नहीं क्या किसी चीज़ का प्रूफ वगैरह दिया हुआ है इन्हीं आइडेंटिटीज का, तो ये डिमॉर्गन गए शायद मेरे ख्याल से, तो ये शायद, देख लेना, ठीक चलो है? छोड़ो तो। वैसे इतना मसला नहीं, ए और बी दो सेट बना लेना, जैसे एक 1 2 और 2 3 की एग्जाम्पल दिया ना, और उन्हीं पे ये सारे फॉर्मूले ना अप्लाई करके चेक कर अरे लेना। वो जो था ना, वो बेसिकली वो डीएलडी के ना डीसीडीएफ के ट्रूथ टेबल बना हुआ है बेसिकली। इंटरसेक्शन में अगर दोनों मिल रहे हैं तो वो इनको सेम कर दिया है, 0 0 0 0 1 0,
वन वन जो है वन लिख दिया, ये वही ट्रुथ टेबल बना है, सही कह रहे किया है वहां पर वही वही डिमॉर्गन्स लॉगो के यार दोनों जो है मेरे वो ख्याल ट्रुथ में, मेरे ख्याल में जो है ना टेबल यूनियन जो है, यूनियन जो है एंड होता है और इंटरसेक्शन और होता है, ऐसे ही कुछ होता है इसमें भी। यूनियन, यूनियन यूनियन एंड है और इंटरसेक्शन क्या नहीं ऐसा सीन और नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई। दोनों इसमें जो है वो मल्टीप्लाई का ही है, अगर दोनों में सेम होगा तो फिर ही होगा। या फिर उल्टा ए बी को लिया गए, खैर भाई तो बोलना बस उल्टा है अभी भाई। देखने के लिए ये चीज ठीक है आएगी सही तो कह नहीं। रहे, सर ये कहाँ से देंगे पेपर, मैंने क्विज में कहाँ से देंगे, तो बस एक ये जनरलाइज यूनियन एंड इंटरसेक्शन देख लेना, ये इतना सही समझ जाएगा। ठीक है, बाकी कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन में ये भी मेरे ख्याल से शायद याद रखने की चीज़ है, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स इन कंप्यूटर, एक सोल्यूशन डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट हो गया सही, एरे लिस्ट, लिस्ट टपल वगैरह सही। दूसरा बेटर सोल्यूशन यहाँ पे एक लिखा हुआ है, असाइन अ बिट इन अ बिट स्ट्रिंग टू ईच एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट एंड सेट द बिट टू वन इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट अदरवाइज जीरो, सही है, यानी वन जीरो की फॉर्म में, यानी करो अगर एनी मौजूद है तो वन, नहीं मौजूद है तो जीरो, सही है। वो दूसरा हो गया, और सही उसामा यार इसको फिजिक्स वाले ग्रुप पर भेज देना। यार, मैं इसको वही यूट्यूब पे डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग कह रहे हो ना। अच्छा, सही है। नहीं मैं इसकी बात कर रहा था पीडीएफ कि आप पीडीएफ। मैं भेज दूंगा, सही है। यहाँ पे वही एग्जांपल दिए गए, पॉसिबल सेट्स कितने थे, सारे यूनिवर्सल सेट थे, यानी 1 2 3 4 5, एक सेट अज्यूम कर हमने ए जिसमें 2 और 5 मौजूद था, उसकी कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन हमने क्या करी कि अच्छा यूनिवर्सल सेट देखो, 1 मौजूद है ए के अंदर, नहीं 0 आ गया, 2 मौजूद है ए के अंदर, हाँ मौजूद है तो 1 आ गया, 3 मौजूद है नहीं है 0, 4 मौजूद है नहीं है 0, 5 मौजूद है हाँ है तो 1, तो ये उसका बेसिकली बाइनरी कोड बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल है, यानी मेमोरी कम सेट हो लेगा गया, एक सेट तरफ, सेट ठीक है, इसी हो तरह गया। बी खराब है तो इसका शुरू का और आखिरी एलिमेंट मौजूद है और बाकी मिडिल के 3 0 आ जाएंगे। ठीक सही सही है, इसी तरह फिर इनका यूनियन ले लो, ए यूनियन बी, सही है, यूनियन को बी से रिप्रेजेंट करा हुआ कंप्यूटर में और एक्सपोनेंट से रिप्रेजेंट करा हुआ इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, और ये क्या लिखा है, बिट वाइज और बिट वाइज एंड। ये वही चीज है बिट वाइज जो लिखा हुआ है ना, दो तरीके बताए ना, एक तो लिस्ट बना लोगे डायरेक्ट जो जिस तरह हम पेपर में लिखते हैं उसको, उसी तरह लिस्ट बना लेंगे जैसे पाइथन में बनाते थे, तो ये लिस्ट हो गई, टपल हो गई डिफरेंट, तो ये एरे लिस्ट जावा वगैरह में जैसे, ठीक है। दूसरा इसने जो ये असाइन अ बिट इन अ बिट स्ट्रिंग वाली जो बात कही है ना, ये उसी की एग्जाम्पल दी हुई, ठीक है, और फिर अब तुम इन पे डिफरेंट ऑपरेशन चला सकते हो, सही है, जैसे यहाँ पे यूनियन चला के दिखाया है, ए और बी का यूनियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पहले में 1 आ जाएगा, दूसरे में 1 यहाँ से आ जाएगा, तीसरे में 0 आएगा, चौथे में 0 आएगा और आखिरी में 1 आएगा, तो 1 1 और फिर तीसरे चौथे में 0 था और आखिरी में 1, ये यूनियन आ गया। इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, आखिरी आखिरी 1 कॉमन है, सही है, तो आखिरी 1 लिख दिया यहाँ पे इंटरसेक्शन में, बाकी सारे 0 हो गए, सही है। ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सबको पलट दो, 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो, ठीक है, मैं यही कह रहा था कि जो यूनियन होता है ना ये और होता है और इंटरसेक्शन जो है वो एंड होता है। देख लो ऐसे मुझे ये चीज हाँ से यहाँ पे लिखा है, यूनियन और हो ठीक है गया और वो बिट वाइज एंड हो गया, ठीक है, सेट है, बस एक ये चीज देख लेना डेफिनेशन, बाकी इस तरह की चीजें याद रखनी होंगी ये कर लेना, बाकी फंक्शंस सेट्स का देख ले। चैप्टर तो आसान है, सेट्स का चैप्टर तो आसान है, ये तो फंक्शन शायद थोड़ा मुश्किल है। यार अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि यार इसको इसमें नंबर लेना है, ये अच्छा टॉपिक से तो इसमें से जो है वो नंबर गेट करने हैं ज्यादा से ज्यादा, हाँ भाई कम से कम 15 नंबर लो भी उसमें से, सही ऐसे ही 6 नंबर आए पहले को इसमें यार। है, रिकॉर्डिंग बंद कर।